शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। दोनों के एक साथ आने को फैंस काफी पसंद करते हैं। हमने उन्हें कई बार ऑफ स्क्रीन एक साथ देखा है, लेकिन पठान में उनका हालिया ऑन स्क्रीन रोमांस फैंस के लिए आतिशबाजी से कम नहीं था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पठान में सलमान के कैमियो के बाद शाहरुख टाइगर 3 में भी एक कैमियो में दिखने वाले हैं, और किंग खान ने अभी तक उस शेड्यूल की शूटिंग पूरी नहीं की है। टाइगर 3 YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, और एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। अब सुनने में आया है कि टाइगर 3 में सलमान शाहरुख के सीन के लिए मेकर्स एक बड़ा सेट बना रहे हैं और इसे बनाने में 45 दिन लगेंगे। टाइगर 3 में सलमान खान और शाहरुख खान फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे। सोर्स ने यह भी खुलासा किया है कि निर्देशक मनीष शर्मा और आदित्य चोपड़ा ने इसे फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनाने की योजना बनाई है। YRF ने चुपचाप एक विशाल सेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। फिर इस सीन को शूट करने में लगभग 45 दिन लगेंगे, जिसमें सलमान और SR के दिमाग को हिला देने वाले एक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब सलमान शाहरुख खान की मदद करने के लिए पठान में दिखाई दिए तो सभी थिएटरों में हंगामा मच गया। अब ये टाइगर 3 में फिर से होने का समय है, और उम्मीद है कि सलमान और शाहरुख लोगों को फिर से एक्शन सीन्स की तरफ खींचेंगे। टाइगर 3 में सुपर स्पाई जोया के रूप में कैटरीना कैफ और विलन के रूप में इमरान हाशमी भी है। टाइगर 3 से पहले सलमान खान किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगे। ये ईद पर रिलीज हो रही है, जो फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित है, और इसमें पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल और अन्य प्रमुख भूमिकाएं हैं। आप टाइगर 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।